नाइट फॉल या सपन दोष या नॉक्चर्नल एमिशन, इसके बारे में आज मैं बात करूंगा। नाइटफॉल होता क्या है? क्या है कि मर्द जो है, पुरुष जो है, लड़के जो है, उनको सपने में कुछ गीला गीला बाहर निकलता है और उससे इनर क्लोज गीले हो जाते हैं। पतला सा बाहर निकलता है, सफेद सा बाहर निकलता है और उसके वजह से इनर क्लोज गीले हो जाते हैं। स्त्री में, लड़कियों में भी वो होता है, ऐसा स्टिकी बाहर निकलता है पानी जैसा और उसमें वजाइनल लुब्रिकेशन होता है। अब यह जो है नाइट फॉल, जिसमें धातु बाहर आ जाता है और धात जो है मतलब सीमेन बाहर आता है, तो सीमेन बाहर क्यों आता है? एक तो उसको सपने में ऐसे सपने दिखते होंगे। धातु क्यों बाहर आता है? क्योंकि नींद में सपने आते हैं और सपने में वो वीर्य बाहर निकल जाता है। सपने हो सकता है कि सेक्स के होंगे और कुछ सपने होंगे जिसमें वीर्य बाहर निकल जाता है, उसको एक सेक्स का अनुभव आता होगा जो किसी को याद रहता है सुबह या याद रहता नहीं है, और बाहर निकल जाता है और कपड़े फिर गीले हो जाते हैं। तो ये पेशाब नहीं है। बहुत लोगों को लगता है कि मुझे पेशाब हो गए कपड़े में, नहीं, पेशाब नहीं है, ये धातु है। मेरे पास में कितने लोग आते हैं कि 13-14 साल के लड़के और बोलते कि देखो आजकल है ना ये पेशाब करने लगा कपड़ों में, तो फिर इंक्वायरी में मालूम पड़ता है कि वो पेशाब नहीं, वो धातु है, सीमेन है। तो वो सीमेन है और सीमेन जाने से कुछ भी नुकसान होता नहीं है। सीमेन जो है वो एक जाना, सीमेन जाना एक नॉर्मल प्रक्रिया है। सीमेन जाने से कोई नुकसान होता नहीं है। सीमेन जाने से ना कमजोरी आती है, ना लिंग छोटा होता है, ना कुछ प्रॉब्लम आता है, वो एकदम टोटली नॉर्मल प्रक्रिया है। सीमेन जाना ही चाहिए। सीमेन नहीं गया तो लोग हाथ से निकालते हैं और हाथ से निकाल के अपना एक शांति मन की कर लेते हैं। तो नाइट फॉल यह सीमेन, रात में सपने में सीमेन जाना ऐसी प्रक्रिया है जो कंप्लीटली नॉर्मल है और उससे कुछ भी नुकसान होता नहीं है। थैंक यू वेरी मच।